लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम प्रॉफिट गेन एप्रिसिएशन की। अगस्त 2023 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और हाइपर होकर के आप गेन को प्रॉफिट के ऊपर झपट पड़ेंगे, अतः जहां पर दूसरे लोग सोचते रहेंगे वहां पर आप प्रॉफिट कमा करके गेन कमा करके निकल लेंगे। जहां पर बृहस्पति की दृष्टि होती है वहां पर व्यक्ति को अपने बुद्धिबल से वहां पर उसको सपोर्ट मिलता है और यहां पर तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलता है, राहु का सपोर्ट भी मिलता है। राहु को प्लानिंग के लिए कहा जाता है और जहाँ पर केतु होता है वहाँ पर व्यक्ति हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करता है, अतः तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती है और संतुष्टि जिंदगी में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि संतोषप्रद व्यक्ति संतुष्ट जो व्यक्ति होता है वो एफर्ट ज़्यादा नहीं करता है। इसलिए सपने बड़े देखिए और उन्हें पूरे होने के लिए पूरे करने के लिए मेहनत कीजिए और आपकी मेहनत ही आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकती है। तो जो लोग जॉब करते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और या फिर फैशन से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित टीवी लाइन से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्थितियां बहुत बेटर रहेगी अगस्त 2023 में। बिजनेस की बात करें तो आप में से वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं या गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा गेन कमाएंगे। तो सब मिला करके ये माह आपके लिए बहुत एफर्ट का भी है और शानदार गेन का भी है। सिंपल एक कहावत है, जो जागत है वो पावत है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को जागृत रखिए तो आपको बहुत कुछ यहाँ पाने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख का। अगस्त 2023 में आपको पारिवारिक सहयोग मिल सकता है, तो वहीं परिवार के लोगों को जो आपने पैसा उधार दिया हुआ है वो वापस मिलने के योग है। और ये आश्चर्यचकित करने वाला जो स्थिति है, बहुत कम होता है कि आपने पैसे उधार दे दिए और वो वापस आपको मिल जाए, तो ये स्थिति आपके साथ में होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत सारे जो काम अटके पड़े पैसे की वजह से वो होने के योग हैं और साथ ही साथ पारिवारिक लोगों का सहयोग, स्नेह, अपनत्व, ये भी आपको कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को अग्रसर करेगा। और या फिर आपने कोई प्लान किया हुआ है तो वो प्लान होने में या प्लान को पूरा होने में आपके पारिवारिक लोगों का सपोर्ट, सहयोग आपको मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। अगस्त 2023 में जो लोग टीचर से संबंधित या नर्सिंग से संबंधित कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपकी नॉलेज, यहाँ पर आपको सपोर्ट या आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा और उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस समय पड़ेगी जब आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं और या आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई इनको डिबेट में हिस्सा लेना है या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम ही देना है, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से वो लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं या एमएनसी से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या जिन लोगों को बाहर जाकर के पढ़ना है उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना है, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, आईटी सेक्टर, इन सब से संबंधित जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, आप कोई भी चीज़ का टेक्निकल हो सकता है, उस टेक्निकल एजुकेशन में भी आपको यहां पर सपोर्ट मिलने के योग हैं, संकेत हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपकी मेहनत भरपूर रंग लाएगी और आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलेंगे। जो लोग लॉ से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिफेंस या फिर फोर्स से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों को 18 अगस्त के बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। अतः ये बोल सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे दरवाजे और ज़्यादा खुल जाएंगे, जो कि आपको एक प्रकार से वैरायटी दे देंगे अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए या कोई भी कोर्स के लिए, और हेल्पिंग हैंड भी आपको ज़रूर मिलेंगे। फाइनेंस की स्टडीज़ करने वाले और या फिर वो लोग जो लिटरेचर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन के अंदर हैं, उन लोगों के लिए भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है।
यहाँ पर आपको मेहनत जरूर करनी है और मेहनत का रिजल्ट आपको हर हालत में मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में आपको स्पेशली अपने हार्ट को और अपने ब्लड प्रेशर को संभालना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे बड़े हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, अन्यथा आप ना चाहते हुए भी ऐसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके आपको किसी से भी पंगा लेना है या वाद विवाद करना है, सोच समझ करके करना है कि सामने वाला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी निकल सकता है, बहुत बड़ा ऑफिसर निकल सकता है, जो सिंपल कपड़ों में, साधारण कपड़ों में, और कोई भी बहुत बड़ा अधिकारी निकल सकता है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, जो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और स्पेशली 17 जो अगस्त तक तो आपको एक्स्ट्रा जो केयर होती है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जरूर सूर्य भाग्य भाव में चले जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं सही समय पर आपका इलाज हो जाएगा, सही समय पर सपोर्ट मिल जाएगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन वहाँ तक तो आपको जो हेल्थ में डिप्थीरिया से संबंधित, आई इन्फेक्शन से संबंधित, और या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, केयर करनी ही पड़ेगी। और जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको सारे सुख मिल जाएँ, या आपकी दाम्पत्य सुख में कोई बाधा ही नहीं आए, या बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल हो। ये स्थिति आपको अगस्त 2023 में देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, ये स्थितियाँ बहुत सुखद है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपको बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं, या कोई पारिवारिक फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है, और हो सकता है उसके आसपास कोई बहुत अच्छा घूमने का स्थान हो सकता है। मानसून सीजन में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं, उसमें से कोई आसपास हो सकता है, तो आप उसका भी प्रोग्राम साथ में बना सकते हैं। और ये जो माहौल है या ये जो माह है अगस्त 2023, यहाँ पर आपको चारों ओर हरियाली भी दिखती है, तो एक मन में भी उमंग होती है, और आपके आसपास भी माहौल संगीतमय होगा, एक प्रकार खुशनुमा होगा, बातचीत का दायरा बहुत व्यापक होगा, और वो बातचीत भी आप हंसी खुशी एक दूसरे को समझते हुए, समझाते हुए इस समय का आनंद लेंगे या समय को पार करेंगे। जो लोग नए नए शादीशुदा जो जोड़े हैं, उन लोगों के लिए ये एक प्रकार से बहुत अच्छी मेमोरी इकट्ठी करने का समय होगा। तो यहाँ पर आपके लिए स्नेह, अपनत्व और समर्पण, ये सब कुछ भरपूर ढंग से मिलेगा, अर्थात आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपकी कामनाएं पूरी होने का यहाँ पर जो समय है या स्थितियाँ बनी हुई है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो यहाँ फिफ्थ हाउस में तो बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ में, जिसे ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग बोलते हैं, और यहाँ फिफ्थ हाउस पर शनि की दृष्टि है जो कि नीच भाव पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपनत्व, यहाँ पर आपको स्नेह या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना मुश्किल है, वहम की स्थितियाँ आएगी, आपको बार बार किसी न किसी चीज़ पर डाउट आएगा, या सामने वाला पर्सन भी, सामने वाला आपका साथी भी आपसे कुछ न कुछ हाइड करने की, छुपाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कोई तीसरे व्यक्ति का आगमन आप दोनों के बीच में आने से स्थितियां ख़राब हो सकती है, या स्थितियां एक प्रकार से नेगेटिव हो सकती है। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा हाइपर होने की जगह अपने आप को थोड़ा सा साइड में करके देखिए, कि जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, वो रिश्ता, वो फ्रेंडशिप या वो रिलेशनशिप नहीं चल सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, या थोड़ी समझदारी के साथ में इस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद में वापस सब कुछ सही हो जाए, और वो सही होने के लिए तो एटलीस्ट आपको अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक वेट करना पड़ सकता है, जब तक कि बृहस्पति और राहु साथ साथ में, वहाँ तक इन स्थितियों को आपको देखना पड़ेगा या उस स्थितियों को झेलना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में आप एक साथ में कई मोर्चे पर एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे और सफल रहेंगे। घर परिवार का भरपूर सपोर्ट, सहयोग और साथ आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपके घर में भी कोई न कोई मांगलिक कार्य, चाहे अभिषेक हो सकता है, धार्मिक उत्सव हो सकता है, कोई कथा हो सकती है, ऐसा कुछ न कुछ आयोजन भी आपके द्वारा होगा, अर्थात आपकी व्यस्तता यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यश का भागीदार बना देगी, और
आपको साथ भी अपनों का, अपने घर परिवार वालों का, चाहे पेरेंट्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और हो सकता है जो आपके छोटे देवर देवरानी है या जो भी घर परिवार का सदस्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्थितियाँ आपके फेवर में है। और यहाँ पर जो अगस्त 2023 में आप कुछ न कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, या आपको कुछ न कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, जो आपने सोचा होगा या जो आपके मन में होगा, कामना होगी, वही गिफ्ट आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, दशम भाव, 10th हाउस। और उस भाव का अधिपति है बुध, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, भाग्य भाव में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग की स्थिति बोला जाता है। और आने वाले समय में 17 अगस्त को सूर्य भी बुध को ज्वाइन कर लेंगे या उसके साथ युति हो जाएगी, तब एक राजयोग और बनेगा जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में 7 अगस्त तक तो बुध, शुक्र और मंगल एक साथ में, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगस्त 2023 में आप बहुत आराम से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। हाय तोबा आपको दिखाई नहीं देगी, या ये बोल सकते हैं कि आप गुनगुनाते हुए या कोई न कोई गीत गाते हुए जैसे आराम से काम करते हैं। जॉब करने वाले लोग तो यहाँ पर कोई भी टेंशन को देखेंगे भी नहीं। जो आपके सपोर्टर्स या साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो ही आपको सपोर्ट करेंगे, आपका काम पूरा कर देंगे, वो स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो लोग इस समय काल में मेहनत करेंगे, वो लोग आराम पसंद रहते हुए भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी डील को आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बुद्धिबल से अपने बोलने के स्टाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बुध की स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है। तो बुध का मतलब भी बुद्धि है, और बुध का मतलब भी आपके तर्क है या बोलने की क्षमता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग काम करते हैं, उस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भरपूर स्थिति शानदार है। तो उसमें क्या आता है, जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ हैं या एंकर हैं, कोई भी ठीक है प्रोग्राम में या चैनल में एंकर हो सकते हैं, या वो लोग जो पत्रकार बंधु हैं, अपना न्यूज़पेपर या फिर अपनी मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों के लिए अगस्त 2023 बहुत बेहतरीन है। शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जब 18 अगस्त को मंगल भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। और मंगल को 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है, और मंगल यहाँ पर एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में आएंगे, ये फिर एक राजयोग की स्थिति बना देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए बहुत सुंदर स्थितियाँ बन रही है, उसका आपको फायदा उठाना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत कम्फर्टेबल रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली टेलीकॉम प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग वाले प्रोफेशनल्स, इंश्योरेंस वाले प्रोफेशनल्स, या वो लोग जो एजेंसी बिजनेस से संबंधित कामकाज में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है, बहुत शानदार है। और जो लोग बिजनेस पर्सन है, जो कारोबारी है, उन लोगों को तो यहाँ थोड़ा सा भी रिस्क लेने से बहुत बड़ा गेन हो सकता है। आपका जो टारगेट है या जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आपके शायद हो सकता है आधे महीने में ही कंप्लीट कर दें। अतः जो टारगेट है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा टारगेट भी बहुत स्थिति को हासिल करने वाला नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। अतः बड़े से बड़ा टारगेट भी आप हंसी खुशी आराम से अचीव कर लेंगे, उसको पार कर लेंगे। तो यहाँ पर चाहे जॉब करें, प्रोफेशनल्स हैं, और या फिर जो लोग बिजनेस पर्सन है, हर हालत में स्थितियाँ आपके फेवर में, इसलिए यहाँ पर आप बहुत बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं या बहुत बड़ा टारगेट फिक्स कर सकते हैं और उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। भाग्य का अधिपति सूर्य है, और वह सूर्य 17 अगस्त तक मारक भाव में 8th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य के उपाय में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और हर रविवार को गेहूँ गोड़िया तांबा का दान करना है, जो भी आपकी यथाशक्ति है, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए कवच की। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं या जब भी फ़ोन पर होते हैं, तो भी अपनी राशि के अनुसार आप कौन सा कवच धारण करें ये पूछते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर के सुख के लिए, और साथ ही साथ घर परिवार के सुख के लिए, भूमि भवन वाहन के सुख के लिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन के लिए, संतान के सुख के लिए विचित्रवीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाहे कमोडिटी के मार्केट के थ्रू हो सकता है, शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उन लोगों को
यहाँ पर काल भैरव कवच धारण करना शुभ रहेगा, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को द्वादश आदित्य कवच धारण करना शुभ रहेगा। शादी के सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है वे लोग भी यहाँ पर, और साथ ही साथ अपने जॉब पाने के लिए जिनके पास जॉब नहीं उनके लिए, या फिर अपने जॉब में और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के लोग, धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं क्योंकि उसकी उपयोगिता है। तो आप भी अपनी राशि के जो तीन त्रिकोण हैं मूंगा, माणिक्य और पुखराज, रत्न धारण करके भाग्योदय रत्न लॉकेट के रूप में इसे धारण कर सकते हैं। हम जो भाग्योदय रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या फिर और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग जो धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें चार रत्न होते हैं जो आपकी लक्ष्मी संबंधित, फाइनेंशियल संबंधित नीड को पूरा करने का रास्ता बता सकते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं। ये मासिक राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, और यों भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए और एक वर्ष में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए ताकि आने वाले समय का भान हो तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको पूछना है उसके पॉइंट बना लीजिए, उन पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी समाधान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं वो अपने देश में बैठे हुए, अपने सिटी में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।